बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज पर, तो आपको बताएं कि इससे मुतालिक अदालती अहकाम के तहत किए जाने वाले इंतजामात का जायजा लेने के लिए आईजी इस्लामाबाद ने डी चौक का दौरा किया है। आईजी इस्लामाबाद नौजवानों का हौसला बढ़ाने के लिए डी चौक पहुंचे। पुलिस और रेंजर्स की तैनात जवानों से उन्होंने बातचीत की। इसी हवाले से डिटेल्स लेंगे। मोहम्मद अली जहाँ हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। अली जहाँ, जवानों से बातचीत की है, उनका हौसला बढ़ाया गया है, कितनी बड़ी तादाद में यहाँ नफरी मौजूद है और यहाँ पर अब क्या माहौल पैदा हुआ है? देखिए, अब से कुछ ही देर कबल आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिज़वी डी चौक पहुंचे हैं और उन्होंने जवानों का हौसला बढ़ाया। उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद के अमन अमान को बरकरार रखने के लिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज और तमाम मुतल्लिका इदारे हम वक्त अपनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। उनका ये कहना है कि बेलारूस के सदर का दौरा है और वो 25 नवम्बर को इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। उनकी आमद से कबल तमाम तर सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दे दी गई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एहतजाजी शुरुआत हैं उनसे निमटने के लिए मजमूई तौर पर इस्लामाबाद में 38,900 के करीब पुलिस एहलकार और दीगर जो नफरी है वो तैनात की गई है, जिसमें 19,000 के करीब पुलिस एहलकार पंजाब से मंगवाए गए हैं, 5,000 सिंध से, 5,000 FC एहलकार भी तैनात होंगे। आज इस्लामाबाद का ये कहना था कि किसी भी शरपसंद अनासर से निमटने के लिए भरपूर तरीके से तैयारी की गई है, किसी को शहर का अमन अमान खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस हवाले से रात के इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ कार्रवाइयां भी की गई हैं, सरपसंद अनासर को गिरफ्तार भी किया गया है और अब तक ये इतलात हैं कि फैजाबाद के करीब से 12 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। तो आज इस्लामाबाद का कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार है, शहर के अमन अमान को बरकरार रखा जाएगा, शहर के अंदर हर तरह के इकदाम के लिए तैयार है। मोहम्मद अली जो अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।